टेक न्यूज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, गर्मा गर्म खबरों का सिलसिला चालू है, हफ्ते की आखिरी टेक न्यूज, लेकिन आज बहुत सारी खबरें क्योंकि जुलाई का महीना बड़ा गर्म होने वाला है, इसलिए गर्मा गर्म खबरें हमेशा की तरह आपको मिलते रहेगी। हमने कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड किए हैं, नहीं देखा है तो देख लीजिए। आस रूएस हर महीने जाता है, वो भी लाइव हो चुका है, जाइए देखिए, सपोर्ट करिए। शॉर्ट्स डाल रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, ट्विटर पर हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फॉलो करिए। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बस एक ही चीज़ आपसे चाहिए, आप मोटिवेट करिए, सपोर्ट करिए। और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिए, हर बार हम बोलते हैं, बस रिमाइंड करते हैं, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा प्यार और सपोर्ट होता है। लाइक करिए आज की टेक न्यूज़ पर, देखते हैं कितना लाइक होता है। फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं OnePlus से। फाइनली OnePlus Nord 3, OnePlus Nord C3 और OnePlus का Nord Bird 2R जो है इंडिया के अंदर 5 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं। ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है, मतलब इतने फोन्स लॉन्च हो रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कि मैं आपसे क्या बताओ। और OnePlus Nord 3 जो होगा ना, इंडिया के लिए थोड़े स्पेक्स अलग है। यहाँ पर आपको LPDDR5X रैम सपोर्ट भी मिलेगा, जी हाँ, 16GB वाला वेरिएंट होगा। और साथ ही साथ अब कैमरा जो है वो 50MP सोनी सेंसर विद OIS, जो चाइना वाला हमने अनबॉक्सिंग किया था उसमें 64 ओमनीविजन था जिसमें OIS नहीं था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि OnePlus ने Nord 3 में चेंजेस किया है। Nord C3 जो है उसका भी प्रोसेसर लीक हो गया है, कन्फर्म्ड हो गया, मतलब स्नैपड्रैगन 782 आपको उसमें देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं दोस्तों इनकी क्या प्राइसेस होती है अभी, क्योंकि प्राइसेस के लीक्स के बारे में आगे एक न्यूज़ है, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि जितने नए फोन्स लॉन्च हो रहे उनकी क्या क्या प्राइसेस है। वैसे इंडिया के अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये खबर निकल कर आई है कि माइक्रोमैक्स कार्बन और लावा ये बहुत ही बड़ा कमबैक करने वाले हैं, मेजर कमबैक होने वाला है इन तीनों ब्रांड्स की तरफ से। देखिए लावा की तरफ से तो हो चुका है, कर रहे अच्छा काम, माइक्रोमैक्स वाले कोई बात नहीं, हम तो चूड़ियां हाँ वो धोखा बहुत बार दे चुके हैं। और ये जो कार्बन है, कार्बन से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई, क्योंकि जो मेरा पहला स्मार्टफोन था वो कार्बन का था। कार्बन मोबाइल्स, लिव योर लाइफ। तो हाँ ऐसा कुछ कर रहे हैं, अब देखते हैं कि अगर ये लोग कुछ अच्छे अच्छे लॉन्चेस करते जैसे कि लावा ने हाल ही में किया है, कुछ अच्छी सर्विसेज देते और टाटा बाय बाय जल्दी नहीं करते तो हो सकता है इनका कुछ भला हो जाए। तो जैसे कि मैं आपको कुछ प्राइसेस की बात कर रहा था, हाल ही में जो न्यू लॉन्चेस की लीक हो गई है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ आईकून नियो 7 प्रो और मोटो रेजर 40, रियलमी नार्जो 60, इन सब की प्राइस Amazon का जो सेल आ रहा है उसके ऊपर लीक हो गई। Realme Narzo 60 बताया जा रहा है कि 18,000 से जो वो स्टार्ट होगा, iQOO Neo 7 Pro जो है वो 33,999, हाँ ऐसी कुछ प्राइस निकल कर आई है। और Moto Razr 40 अल्ट्रा वाला नहीं, 40 जो है वो 60,000 बताया जा रहा है। इनके बीच में iTel भी देखो फुल लेजेंडरी स्टाइल में बैठा हुआ है, 8,000 का भी उनका कोई फोन आ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें 7,000 mAh की बैटरी होगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लीक हुई, लेकिन हो सकता है ये जो सारे प्राइसेस हैं ऑफर्स के बाद वाली प्राइसेस हो, वी आर नॉट श्योर। बट हाँ अभी जो न्यू लॉन्चेस हो रहे उनमें से कुछ ऐसे फोन हैं जिनकी प्राइस लीक हो गई। वैसे इनमें मुझे iQOO Neo 7 Pro की प्राइस बड़ी क्लियर लग रही है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। Samsung Galaxy S23 Fan Edition, जी हाँ ये भाई लटकती तलवार है, कभी बोलते आएगा कभी बोलते नहीं आएगा, लेकिन अब तो फर्स्ट लुक ही बाहर आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि Samsung Galaxy S23 Fan Edition है, इसमें फ्लैट डिस्प्ले होगी 6.4 इंच की, ट्रिपल कैमरा है, सेंटर आपको पंचोल यहाँ पर देखने को मिलेगा और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। बड़े बड़े लोग ये भी बोल रहे हैं, मतलब जो टिप्सटर्स लोग हैं, कि भाई इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 मिलेगा, लेकिन पहले जो लीक्स आई थी वो बोल रहे थे कि एक्सिनोस 2200 होगा। अभी हमें पता नहीं कि इसमें क्या होगा, पहली बात तो ये कि ये आएगा नहीं आएगा इसके बारे में भी अभी भी कोई श्योरिटी नहीं, लेकिन फर्स्ट लुक बाहर आ चुका है। बाकी आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में और क्या चिपसेट आप एक्सपेक्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइए। Realme Narzo 60 सीरीज, यानी कि Realme Narzo 60 और Realme Narzo 60 Pro, ये दोनों फोन्स बताया जा रहा है कि 5G होने वाले और इंडिया में 6 जुलाई को लॉन्च हो रहे हैं। 5 तारीख को आ रहा है OnePlus, उसके पहले आई थिंक iQOO वाले आ रहे हैं, अब यहाँ पर ये 6 जुलाई को जो है Realme वाले अपना उन्होंने लॉन्च डेट कन्फर्म कर दिया है। तो देखते हैं कि Narzo 60 सीरीज में क्या खास होता है, अनबॉक्सिंग करके आपको बताएंगे। बाकी प्राइसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जो 18,000 बोल रहे हैं वो हायर वाले की लोअर वाले की इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन लेट्स सी कि Realme वाले 6 जुलाई को इस बार क्या खास करते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट स्मार्टफोन विथ 24GB रैम, हमने 12 देखा, फिर हमने 16 देखा, हमने 18 भी देखा है, हमने 18GB रैम वाले फ़ोन भी देखे। ये 24GB रैम वाला नूबिया का रेड मैजिक 8S प्रो जो है वो बताया जा रहा है कि चाइना में 5 जुलाई को लॉन्च होगा। याद रहे ये वर्चुअल रैम वाला नहीं, ये पूरा के पूरा 24GB आपको मिलेगा। आजकल ब्रांड वर्चुअल रैम के साथ बड़ा खेलती है ना, 10,000 के नीचे भी 16GB वर्चुअल रैम, नहीं नहीं ये एक्चुअली में 24GB रैम के साथ आएगा। अब ये फ़ोन मुझे लगता नहीं कि आजकल स्मार्टफोन्स में इतने ज़्यादा रैम की ज़रूरत होनी चाहिए, बट स्टिल मार्केटिंग है सबका अपना अपना, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वगैरह, लेकिन नूबिया वाले तो इंडिया में आते नहीं है, तो इससे हमें
घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पिंक व्हाट्सएप, जी हाँ, जैसे कि व्हाट्सएप के ऊपर आजकल हमें पता है कि अंड शंड चीजें होते रहती है, उसके बीच में अब एक नया स्कैम शुरू हो गया है, पिंक व्हाट्सएप, जहां पर हमारे इंडिया में पुलिस वालों ने भी अलग अलग जगहों पर इसके बारे में अलर्ट किया है कि भाई देखिए ये फ्रॉड है, इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना। आपको एक लिंक शेयर कर दी जाती है कि आपका व्हाट्सएप पिंक हो जाएगा, उसमें ये फीचर्स होंगे, उसमें पहले भी आई थिंक एक आया था, मैं भूल गया, व्हाट्सएप ब्लू ऐसा समथिंग कुछ था, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर अभी पिंक व्हाट्सएप का स्कैम चल रहा है, आप जैसे ही उस लिंक पर जाएंगे कुछ ऐप इंस्टॉल होगी, पूरा के पूरा आपके डेटा वगैरह के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अगर आपको कोई भी लालच देता है तो प्लीज इनसे बचिएगा, और पिंक व्हाट्सएप से तो खास करके जरूर बचिएगा। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। फाइनली क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2, जेन 1 आया था जो रेडमी नोट 12 5G में हमें इंडिया में देखने को मिला है, अभी 17,000 पर है, कभी कभी सेल पर 15,000 पर रहता है, तो उसका सक्सेसर यहां पर आ चुका है और ये बड़े तगड़े फीचर्स के साथ आया है। ये आपको 4nm पर देखने को मिलता है, जी हाँ, और इसमें कॉर्टेक्स A78 के प्राइम कोर से 2.2 GHz फुल एच डी प्लस की 120Hz वाली आपको डिस्प्ले है, LPDDR5X हाँ रैम सपोर्ट, UFS 3.1 का आपको स्टोरेज का सपोर्ट है, बाकी और भी बहुत सारे फीचर्स है, कैमरा मैक्स 108 MP। अगर ऐसा फोन वाकई में इन फीचर्स के साथ, ये तो सिर्फ चिपसेट का सपोर्ट है, फोन ऐसे फीचर्स के साथ ज्यादा नहीं आते, लेकिन अगर बजट में आ जाता है तो क्या ही बात है। Nothing Phone 2, अगर आप इस फोन को परचेज करने की प्लान कर रहे हैं जो कि 11 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, तो उसके पहले इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब 29 जून को कल हो चुका था। तो यहां पर ये दोस्तों आपको 2,000 रुपये डिपॉजिट यहां पर देने पड़ेंगे, ये रिफंडेबल है, उसी के साथ आपको 50% ईयर स्टिक के ऊपर ऑफ मिलेगा, एक्सेसरीज पे कुछ 50% ऑफ है, और साथ में इंस्टेंट कैशबैक और ये भी बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं। इनकेस अगर आप इस फोन को प्री बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहां पर देखने को मिलती है, तो आप जाइए जहां पर भी आपको मिलता है लिंक्स वगैरह, आप जाके इसको प्री बुक कर सकते हैं। वैसे OnePlus के डिवाइसेस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो OxygenOS 14 Android 14 पर बेस्ड ये अपडेट बड़ी ही जल्दी आने वाला है। कुछ कंपेटिबल फोन्स की लिस्ट बाहर आ चुकी है, OnePlus 11 जो सबसे पहले आएगा, OnePlus 11R है, 10 Pro है, 10T है, 10R है, 9 है, 9 Pro, 9R, 9RT, Note 2T, Note C2 Lite, जी हाँ, Note C3 Lite जो 20,000 वाले के नीचे, इनफैक्ट अच्छी बात है कि Note C2 Lite में भी दे रहे, और Note 3 वगैरह जो नया आ रहा है सब में आपको मिल जाएगा। ये बोल रहे हैं कि अगस्त के बाद हमें इन फोन्स में धीरे धीरे अपडेट्स मिलेंगे, पहले फ्लैगशिप होगा फिर उसके बाद बजट होगा। ऐसा आप बताइए, आप क्या OnePlus का फोन यूज करते हैं और कौन सा फोन यूज करते हैं, कमेंट में जरूर बताना। डील की बात करते हैं, अगर आपको एक अफोर्डेबल रेंज का ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए तो ट्रूक वाले आजकल इन मामलों में बड़ा अच्छा काम करते हैं। 80 आवर्स का प्ले टाइम, 6 माइक दिए गए, 13 mm के ड्राइवर्स, बहुत सारे कमाल के फीचर्स, ये नया वाला है, LED लाइट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आपको दी, दिखने में भी ठीक है, 1500 रुपये के आसपास है। अगर इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं, इंडिया में ऐसा बताया जाता है कि अगर गेमिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, गेमर्स क्रेज की बात करें, तो इंडिया में स्पेसिफिकली 800 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ मोबाइल गेमर्स हैं, यानी कि 80 करोड़ से ज़्यादा 80 करोड़ से ज़्यादा इंडिया में लोग मोबाइल में गेम खेलना प्रेफर करते हैं, और उन्हीं में से 20 मिलियन जो है वो PC गेमर्स हैं। जी हाँ, मतलब PC गेमिंग का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है, लेकिन मोबाइल गेमिंग आजकल कन्वीनियंट है, कहीं पर भी लेके चले जाते हैं, बड़े बड़े गेम खेलते हैं, तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, क्या आप PC गेमर हैं या मोबाइल गेमर हैं, कमेंट में। मैं वैसे हैंडल्ड गेमर हूँ, वैसे आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आपको बताया दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी लीफ, वो जो पेड़ का पत्ता होता है ना, वो सबसे बड़ा साइज का कितना हो सकता है? तो ब्राजील के अंदर दोस्तों एक ट्री स्पीसीज है जिसका नाम है कोको लोबा, आगे का नाम मुझे नहीं पता, तो ये जो ट्री का जो लीफ निकल कर आता है वो 8 feet, आप देख सकते हैं ये बंदे के साथ खड़ा है, इतना लंबा है, जिसकी कोई हद नहीं। आज के लिए न्यूज़ देखा था, मुझे भी तो आज के लिए पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।